वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। मैथ्स में इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसे सिंपल फॉर्मूला का यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू की दोनों लाइनें वही, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वॉइड मेन से, तो अगली लाइन वॉइड मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर मैं फ्लोट टाइप के तीन वेरिएबल बना लूंगा, फ्लोट लेंथ कोमा ब्रिथ कोमा एरिया। फिर मैं यूजर को प्रिंट एफ में लिखूंगा एंटर द ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल। यूजर अब उसकी ब्रिथ भी इंसर्ट करेगा। मैं उसको किससे पढ़ा लूंगा? स्कैन एफ फंक्शन से पढ़ा लूंगा। स्कैन एफ का यूज करते आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं और बता देता हूँ। स्कैन एफ, फिर परसेंटेज डी या एफ, डी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हो तो डी लिखेंगे, और फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया तो एफ लिखेंगे। इस प्रोग्राम में हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हम क्या लिख रहे हैं? एफ लिख रहे हैं, फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं। और फिर एड्रेस ऑफ और वेरिएबल का नाम, इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ रखा है तो एड्रेस ऑफ लेंथ और एड्रेस ऑफ ब्रेथ। फिर यूजर को मैसेज दूंगा कि मुझे लेंथ चाहिए, तो प्रिंट एफ यूज करूंगा और उसमें लिख दूंगा एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यूजर लेंथ डाल देगा, मैं स्कैन एफ फंक्शन से उसको रीड आउट करा लूंगा। फिर हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि दोनों का मल्टीप्लाई होकर लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होकर किसमें आ जाएगा? एरिया में आ जाएगा। बस मेरा आंसर एरिया में आ चुका है, मुझे इसको यूजर को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो मैं प्रिंट एफ में लिख दूंगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज एफ इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एरिया। परसेंटेज एफ क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, और एरिया को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्यों रखा है? क्योंकि उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। एज इट इज एरिया लिखा हुआ नहीं चाहिए उसमें, उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा। आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं गेट सीएच लिख दूंगा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। कोई भी एरर होगी तो बता देगा। जैसे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन हो गया है, मैंने लेंथ और ब्रेथ इंसर्ट कर दी है। देखिए परफेक्टली उसने मेरे को रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके दे दिया है। इस प्रोग्राम को आप खुद से वापस बनाने की कोशिश करें, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।